दोस्तों, केस आयुर्वेद में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं इको प्रोट पाउडर के बारे में। इको प्रोट पाउडर क्या है, उसके फायदे, नुकसान, उसके इंग्रेडिएंट्स एंड उसके प्राइस, चलिए देखते हैं इको प्रोट पाउडर के बारे में। इको प्रोट पाउडर, जिसका पूरा नाम इको प्रोटीन पाउडर, जो कि एक यह स्वास्थ्यवर्धक पाउडर है और यह शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है तथा शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी को दूर करता है। और दोस्तों, आगे देखते हैं इको प्रोट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई, फॉलिक एसिड। और दोस्तों, ये अलग अलग फ्लेवर में आती है, जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर, इलायची फ्लेवर एंड आइसक्रीम फ्लेवर, तीन फ्लेवर में आती है। तो आप को जो पसंद हो आप प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइस की। इको प्रोट पाउडर की प्राइस कितने में मिल जाएगी आपको, तो यहाँ आप देख सकते हैं ₹340 में आपको ये पाउडर मिल जाएगी। अब बात करते हैं इको प्रोट पाउडर के फायदे के बारे में। इको प्रोट प्रोटीन पाउडर में दिए गए रोग निर्देश के अनुसार ये शारीरिक कमजोरी को दूर करने में उपयोगी है तथा इसके कई और फायदे हैं जो कि इसके इस्तेमाल से हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में। इको प्रोट एक एलोपैथिक की श्रेणी में आने वाली एक प्रोटीन पाउडर है, जिसके इस्तेमाल से शरीर का वजन बढ़ता है। इको प्रोट प्रोटीन पाउडर में दिए गए रोग निर्देश के अनुसार यह उल्लेखित है कि यह सीने में होने वाले दर्द में उपयोगी और कारगर है। इको प्रोटीन पाउडर बढ़े हुए रक्तचाप को कम करने में लाभकारी है तथा यह दिमाग संबंधी रोगों के लिए भी फायदेमंद बताई गई है। यह शरीर में कम हो रहे आवश्यक विटामिन की पूर्ति करता है और उन्हें बढ़ाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं इको प्रोट पाउडर के नुकसान के बारे में। किन परिस्थितियों में ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है? यदि पहले से आप किसी अन्य दवाई खा रहे हैं तो इको प्रोट सेवन न करें। यदि करते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इको प्रोट का सेवन खाली पेट करने से बचे। शराब बाद इसका सेवन न करें, क्योंकि यह शराब के साथ मिश्रित होकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आप पेट में संबंधित किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका सेवन न करें, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसी महिलाएं जो शिशु को स्तनपान कराती है, वो इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही ले। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं हम